हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के सीजीपीएससी ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर, अभी जुलाई 2024 में नया केंद्रीय बजट आया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा नया बजट पेश किया गया है अभी जुलाई 2024 में, तो आपके इस करंट, इस आपके इकोनॉमिक सर्वे बुक का कोई नया एडिशन आएगा क्या? जी नहीं, कोई भी नया एडिशन नहीं आने वाला है। अभी फरवरी, नेक्स्ट ईयर के फरवरी में जो पीएससी प्री एग्जाम होगा फरवरी 2025 में, तब तक यही आर्थिक सर्वेक्षण का बुक मेरा मार्केट में अवेलेबल रहेगा और इसी बुक से आपको चीजें पढ़नी है। मानता हूं नया केंद्रीय बजट आ चुका है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ बजट से रिलेटेड जो नोट्स है, मुश्किल से 3 पेज का आपका नोट्स बनेगा, उस 3 पेज के नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री में आपको सर्कुलेट कर दूंगा। 3 पेज के चक्कर में 3 पेज को इसमें ऐड करके, कवर पेज चेंज करके नया एडिशन निकालने वाला बेईमानी वाला काम मैं नहीं करता, ठीक है? आप बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी इस बुक को खरीद चुके हैं। अब मैं इस बुक में लास्ट में 3 पेज ऐड करके न्यू एडिशन के नाम से बुक निकालूं, तो ये बेईमानी वाली बात है। तो जो आपका नया बजट आया है, केंद्रीय बजट जुलाई 2024 में, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और जो 3 पेज का नोट्स बनाऊंगा, उस 3 पेज के नोट्स को भी आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। उसका आप प्रिंटआउट निकाल करके पढ़ सकते हैं। बाकी ये कोई भी नया एडिशन आर्थिक सर्वेक्षण का मार्केट में नहीं आने वाला। आपको अगले साल फरवरी 2025 में होने वाले सीजीपीएससी प्री एग्जाम तक यही बुक मार्केट में अवेलेबल होगा। जब तक नेक्स्ट ईयर छत्तीसगढ़ का कोई नया बजट या कोई नया इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ जाता, तब तक यही बुक मार्केट में रहेगा, ठीक है? और हाँ, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 का बुक हमारा ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। यानी कि सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 का बुक अब शो नहीं होगा। जुलाई मंथ में जो हमारे करंट अफेयर का बुक पब्लिश हुआ था, वो ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ऑफलाइन मार्केट में कुछ चुनिंदा बुक डिपो में, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग के कुछ चुनिंदा बुक डिपो में इसे कुछ लिमिटेड स्टॉक बचे हुए हैं, वहां से आप बुक को ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन यह आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, ठीक है? चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री जी ने भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया कि आप अपने माँ के नाम पर एक पौधे का रोपण करें। और इसी अभियान में जुड़ते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने 4 जुलाई 2024 को दहीमन पौधे का रोपण करके इस अभियान की शुरुआत की और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए महावृक्षारोपण अभियान चलाया 11 जुलाई 2024 को, ठीक है? 11 जुलाई 2024 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया और महावृक्षारोपण अभियान चलाया गया 11 जुलाई 2024 को, ठीक? 11 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पीपल का पौधा नवा रायपुर में स्थित जैव विविधता पार्क में इस 11 जुलाई 2024 को पीपल का पौधा लगा करके इस महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की थी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान में 4 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जुड़े, जिन्होंने 4 जुलाई 2024 को दहीमन पौधा लगा करके एक पेड़ माँ के नाम अभियान में ये शामिल हुए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इन्होंने एक महावृक्षारोपण अभियान चलाया।
11 जुलाई 2024 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने नवा रायपुर में स्थित जैव विविधता पार्क में पीपल का पौधा लगा करके इस महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। ठीक है, इसका थीम रखा गया है चलो बनाबो हरियर छत्तीसगढ़। ये जो महावृक्षारोपण अभियान चलाया गया 11 जुलाई 2024 को, इसका थीम है चलो बनाबो हरियर छत्तीसगढ़। और इस एक वृक्ष माँ के नाम अभियान के तहत हमारे छत्तीसगढ़ में वन विभाग के द्वारा 4 करोड़ पौधे के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभियान में मुख्यमंत्री जी शामिल कब हुए? 4 जुलाई 2024 को। छत्तीसगढ़ में महावृक्षारोपण अभियान कब चलाया गया? 11 जुलाई 2024 को नवा रायपुर स्थित जैव विविधता पार्क में पीपल का पौधा लगा करके उन्होंने इस महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में वन विभाग के द्वारा 4 करोड़ पौधे के रोपण किए जाने का लक्ष्य है इस महावृक्षारोपण अभियान के तहत। जो दहीमन का पौधा है ना, देखिए पीपल के पौधे से तो आप सभी परिचित है, दहीमन का पौधा एक औषधीय गुण वाला पौधा है। सरगुजा क्षेत्र में ये जो दहीमन का पौधा है, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दहीमन के पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यानी कि इस दहीमन की सर्वाधिक, इसका जो वृक्ष है, इसका जो पौधा, ये सर्वाधिक कहाँ मिलता है? आपके सरगुजा वाले क्षेत्र में। ठीक, इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 जून को नागरिकों से अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील के अनुरूप है, जिसे अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में क्रियान्वित किया जा रहा है। माताओं के लिए पौधे लगाने के अलावा लोग अपनी आस्था के अनुसार देवी देवताओं के नाम पर भी पौधों का रोपण कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष चाहे तो अपने माँ के नाम पर पौधे का रोपण कर सकता है, और माँ के नाम पर अगर ना करना चाहे तो किसी देवी देवता के नाम पर भी एक पौधे का रोपण करके इस अभियान में शामिल हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत महावृक्षारोपण अभियान कब चलाया गया? तो 11 जुलाई 2024 को। लक्ष्य कितना है? 4 करोड़ पौधे के रोपण का लक्ष्य है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोर संगवारी ऐप। मोर संगवारी ऐप ये कोई नया ऐप नहीं है, जो पिछली सरकार थी, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र बघेल जी की जो सरकार थी, उनके द्वारा जो मुख्यमंत्री मितान योजना लाया गया था 1 मई 2022 को, इस मुख्यमंत्री मितान योजना का ही नया स्वरूप है मोर संगवारी ऐप। 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा लोरमी नगर पालिका से इस मोर संगवारी ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक, ये जो आपका मोर संगवारी ऐप है, ये मुख्यमंत्री मितान योजना का ही नया स्वरूप है। टोल फ्री नंबर 14545, जिसमें आप सुबह 8 से लेकर के रात के 8 बजे तक कॉल करके 27 प्रकार की शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सुविधा ले सकते हैं। जो मुख्यमंत्री मितान योजना जो चलाया गया था पिछली सरकार के द्वारा, देखिए क्या होता है, अक्सर जब कभी भी सरकार परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, पिछली राजनीतिक दल के, जब आपके राजनीतिक दल में परिवर्तन होता है, पिछली कांग्रेस की सरकार थी, अभी वर्तमान में जो है बीजेपी की सरकार आ गई, तो जनरली क्या होता है कि पिछली सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं चलाई जाती है उसे नई सरकार बंद कर देती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी रिवॉल्यूशनरी आपकी योजनाएं रहती है जो बहुत से चेंजेस लाती है, जैसे कि मुख्यमंत्री मितान योजना। जो मुख्यमंत्री मितान योजना, देखिए पहले क्या होता था कि किसी भी शासकीय सेवा को लेने के लिए, जैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, तो इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उसके लिए पूरे दिन दिन भर का समय निकल जाता था। लोगों को अपनी जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो किसी जॉब में है, अपने जॉब से छुट्टी लेकर के, अपने दुकानों को बंद करके उन्हें शासकीय सेवाओं को लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब ये जो मुख्यमंत्री मितान योजना लाया गया था पिछली सरकार के द्वारा, उसके तहत आप घर बैठे केवल एक कॉल करके, 14545 नंबर पर कॉल करके, आप 27 प्रकार की योजनाओं का घर बैठे लाभ ले सकते हैं। इसके तहत एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मितान घर में आता था, जिसको आप आवश्यक दस्तावेज देते थे, और वो कुछ दिनों के बाद आपका डॉक्यूमेंट आपके घर में ला करके छोड़ देता। तो ये बहुत एक अच्छी योजना थी। तो देखिए, राजनीतिक दल जब कभी भी सत्ता परिवर्तन होगा तो बहुत सी योजनाओं को बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं रहती है जो बहुत बड़ा चेंज लाती है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन नाम परिवर्तन जरूर किया जा सकता है।
तो मुख्यमंत्री मितान योजना का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है मोर संगवारी ऐप। ठीक है, यह नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा यह आपकी ऐप जो है संचालित होगा। इसका जो संचालन है वर्तमान में हमारे प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में, प्रदेश के 14 नगर निगम, 44 नगर पालिकाओं और 2 नगर पंचायत। 2 नगर पंचायत कौन कौन से है? अंबागढ़ चौकी और गौरेला। ठीक है, अंबागढ़ चौकी मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी का अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत और गौरेला पेंड्रा मरवाही का गौरेला आपका नगर पंचायत। इन दो आपके नगर पंचायत, 44 नगर पालिका और सभी के सभी आपके 14 नगर निगमों में ये मोर संगवारी ऐप संचालित है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि नवगठित नगर पालिका जैसे मंदिर हसौद, बांकी मोगरा, लोरमी और पंडरिया में भी इसका विस्तार किया जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है याद रखना, 27 प्रकार की शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सुविधा इसमें मुहैया कराई जा रही है। टोल फ्री नंबर क्या है इसे भी याद रखिएगा, लॉन्च कब किया गया इसे भी याद रखना है। ठीक है, देखिए यह है आपका मोर संगवारी ऐप। ठीक, मोर संगवारी ऐप जिसमें कॉल सेंटर में प्रातः 8 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक सप्ताह में 7 दिन ₹50 शुल्क के साथ आप शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसमें आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, जन्म प्रमाण पत्र सुधार, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड पंजीकरण, गुमास्ता लाइसेंस यानी कि जो दुकानों का गुमास्ता लाइसेंस होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सुधार। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपका आधार कार्ड पंजीकरण 5 साल के तक के बच्चों का, असंगठित कर्मकार पंजीकरण एवं सुधार, पैन कार्ड पंजीकरण एवं सुधार, गैर डिजिटाइज्ड नकल के लिए भूमि दस्तावेज, ये सारी सुविधा इसमें दी जा रही है और भी बहुत 27 प्रकार की सुविधा। शुरू में जब ये जो मुख्यमंत्री मितान योजना का जब कॉन्सेप्ट लाया गया था ना, ये केवल नगर निगमों के लिए लाया गया था, धीरे धीरे इसका विस्तार 44 नगर पालिकाओं में हुआ और अभी 2 नगर पंचायत में भी इसका संचालन किया जा रहा है। बहुत अच्छी योजना है और शुरू में जब ये लाया गया था तो ये केवल बुजुर्गों के लिए दिव्यांगजनों के लिए लाया गया था, क्योंकि बुजुर्ग और दिव्यांगजन ज़्यादा शासकीय सेवाओं के लिए जो है दफ्तरों में चक्कर नहीं लगा सकते। तो शुरू में ये कॉन्सेप्ट बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह योजना सभी के लिए आपका लागू हो चुका है। ठीक है, तो ये जो मुख्यमंत्री मितान योजना है उसका नाम, नया नाम क्या हो चुका है? मोर संगवारी ऐप। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भंगाराम माई यात्रा या भंगाराम माई मेला। भंगाराम माई मेला जो है ये कोंडागांव जिले के केशकाल में, ठीक है, कोंडागांव जिले के केशकाल का भंगाराम माई यात्रा या मेला काफी प्रसिद्ध है। इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष भादो माह के कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन, भादो माह, देखिए हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अघन, पौष, माघ, फागुन, ये 12 महीनों के नाम है। अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी फरवरी, आपको अगर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अंग्रेजी कैलेंडर के जनवरी फरवरी आपके किसी काम के नहीं, क्योंकि सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय पर्व किस तिथि को मनाए जाते हैं, किस माह में मनाए जाते हैं, उस माह के नाम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आपको याद होने चाहिए। तो भादो माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले शनिवार को भंगाराम माई यात्रा या मेले का आयोजन होता है कोंडागांव जिले के केशकाल में। हाल ही में यह चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में जो है राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम जी के द्वारा भंगाराम मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। अपने आप में काफी महत्व रखता है यह भंगाराम मेला। क्यों? देखिए ध्यान देना, केशकाल, विश्रामपुरी, फरसगांव, कोंडागांव जिले के अंतर्गत केशकाल, विश्रामपुरी, फरसगांव से जुड़े मेले में 9 परगना के देवी देवता शामिल होते हैं। आसपास के जो परगने हैं उसके देवी देवता शामिल होते हैं और यह मेला मुख्य रूप से गोंड जनजाति की आस्था का प्रतीक है। वर्ष में एक बार लगने वाले इस मेले में महिलाओं का आना वर्जित है, केवल पुरुष इस मेले में शामिल होते हैं, महिलाओं का आना इस भंगाराम माई मेले में वर्जित है। विशेष, यहाँ देवी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में पुजारी, गायता, सिरहा, ग्राम प्रमुख, माझी, मुखिया, पटेल उपस्थित होते हैं। ये जो भंगाराम माई का मेला है ना, ये एक प्रकार की अदालत है जिसमें आसपास के परगनों के जो देवी देवता है वो इस अदालत में शामिल होते हैं। आगे आपको और डिटेलिंग बताऊंगा। ठीक है, देखिए जो भंगाराम माई का मेला है ना, ध्यान देना, भंगाराम देवी की अदालत में
सभी देवी देवताओं की पेशी होती है, आसपास के जो नौ परगने हैं वहां के जो देवी देवता है उनकी पेशी होती है, और पूरे साल के कार्यों का ब्यौरा लिया जाता है। जो आसपास के परगनों के जो देवी देवता, इंसानों की बात नहीं हो रही है, परगनों के जो प्रमुख देवी देवता है उनके कार्यों का जो है, उनके कार्यों का ब्यौरा लेती है कौन? भंगाराम माई। यदि लेखा जोखा में किसी देवी देवता की गलती निकलती है, इंसान नहीं देवी देवता की गलती निकलती है, तो माता उसे निष्कासित भी कर देती है या उनके कार्यों को कुछ समय के लिए रोक देती है, उनके कार्यों को, उनके पूजा को कुछ समय के लिए रोक देती है। जात्रा में पहले 6 शनिवार को सेवा विशेष पूजा की जाती है और 7वें तथा अंतिम शनिवार को जात्रा का आयोजन यानी कि मेले का आयोजन होता है। इस अंतिम शनिवार को जात्रा के दिवस 9 परगना के देवी देवता शामिल होते हैं, जिसमें ललित कुंवर, नरसिंह नाथ, भीमा देव, कुंवर पाठ, बूढ़ी माता, शीतला माता, नरदीन जैन समेत कई देवी देवता शामिल होते हैं। देखिए, जो स्थानीय ग्रामीण है वो देवी देवताओं के पास अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं, देवी देवताओं को अर्पण करेंगे, बलि देंगे, नारियल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन फिर भी गांव वालों की अगर समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो साल में एक बार आयोजित होने वाले इस भंगाराम माई जात्रा में देवी देवताओं की अदालत लगेगी और उसमें देवी देवताओं के कार्यों का ब्यौरा लिया जाएगा। और अगर किसी देवी देवता के द्वारा जो है लेखा जोखा में कोई गलती निकलती है, यानी कि उन्होंने अपने गांव के लोगों की जो प्रार्थना, जो बलि उन्होंने दी, तो उसके आधार पर गांव के लोगों की समस्या का निवारण नहीं हुआ, तो माता उन देवी देवता को कुछ समय के लिए निष्कासित भी कर देती है। और जिन देवी देवता को निष्कासित किया जाएगा, गांव वाले लोग उस देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति विशेष गलती करेगा तो उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, वैसे देवी देवताओं के द्वारा अगर कोई गलती की जाएगी तो उसे भंगाराम माई की अदालत में पेश किया जाता है। देखिए इस प्रकार से, ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी ये है आपके भंगाराम माई, इसको जो लेकर के जो खड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया शामिल कौन हो रहे हैं, पुजारी, गायता, सिरहा, ग्राम प्रभु, माजी, इन लोग कंधे में लेकर के इस लकड़ी को लेकर आएंगे और इनके ऊपर माता सवार होती है ऐसा माना जाता है। ठीक है, इनके ऊपर जो है माता सवार होती है, ये आपकी लोक अदालत लगी हुई है। ठीक, जो फूलो देवी नेताम है, राज्यसभा सांसद, उन्होंने इस भंगाराम मेले को राष्ट्रीय मेले के दर्जा दिए जाने की मांग की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए मेंस आंसर राइटिंग में ना लिखने के लिए दे देगा भंगाराम जात्रा से संबंधित तथ्य को, आपसे केवल अगर पीएससी प्री या व्यापम का अगर क्वेश्चन की बात करे तो भंगाराम मेले का आयोजन कहाँ होता है, केशकाल कुंडा गांव, इतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मेंस आंसर राइटिंग में आएगा तो आपको पूरा डिटेलिंग बताना पड़ेगा कि आपके शुरू के 6 शनिवार सेवा पूजा होती है, अंतिम शनिवार मेले का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के 9 परगने के देवी देवताओं की लोक अदालत लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, यहाँ शायद नाम चेंज नहीं किए हैं, नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं श्री रेमन डेक्का। ठीक है, रमेन डेक्का, इसे करेक्ट कर लेना ना, ये शायद इसमें पिछले ही आपके राज्यपाल का नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है। ये हमारे प्रदेश में कार्यकाल के आधार पर 8वें राज्यपाल और क्रम अनुसार 10वें राज्यपाल है। कार्यकाल के आधार पर 8वें राज्यपाल का मतलब बीच में जो है, जो कार्यवाहक राज्यपाल जिन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, कार्यवाहक राज्यपाल को शामिल नहीं किया जाता। वर्तमान में ये जो है कार्यकाल के आधार पर हमारे प्रदेश के 8वें राज्यपाल है, जबकि क्रम के अनुसार हमारे प्रदेश के यह 10वें राज्यपाल है रमेन डेक्का। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल श्री दिनेश नंदन साय, जिनका कार्यकाल 2000 से 2003 तक था। दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ, 2003 से 2007 तक। इसी बीच में कुछ समय के लिए श्री सुशील कुमार सिंधे, 2005, देखिए सातवां महीना 2005 से लेकर 10वां महीना 2005 की अवधि के लिए कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। उसके बाद श्री ई एस एल नरसिम्हन, 2007 से 2010, श्री शेखर दत्त, 2010 से 2014, फिर बीच में कार्यवाहक आपके राज्यपाल बने थे श्री राम नरेश यादव, 2014, पांचवें श्री बलराम दास जी टंडन, 2014 से 2018, इसी टाइम में जो है कार्यवाहक राज्यपाल बनी थी श्रीमती आनंदी बेन पटेल, 2018 से 2019। उसके बाद छठवीं राज्यपाल थी आपके सुश्री अनुसुईया उइके जी, 2019 से 2023। सातवें राज्यपाल थे श्री विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि 2023 से
2023 से अभी 2024 तक यह राज्यपाल थे और श्री रेमन डेक्का जो कि 2024 से निरंतर यह राज्यपाल है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। 31 जुलाई 2024 को इन्होंने शपथ लिया है। अगर आप देखेंगे तो कार्यकाल के आधार पर जो है पहले श्री दिनेश नंदन साय, दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ, तीसरे आपके नरसिम्हन, चौथे शेखर दत्त, पांचवे बलराम दास जी टंडन, छठवे सुश्री अनुसुईया उइके, सातवें श्री विश्वभूषण हरिचंदन और आठवें है श्री रेमन डेक्का। बीच के जो आपके कार्यवाहक है ना उनको इसमें काउंट नहीं किया गया है। अगर कार्यवाहक के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका देखिए ये हो गया फर्स्ट दिनेश नंदन साय, आपका सेठ सेकंड, नरसिम्हन थर्ड, शेखर दत्त फोर्थ, आपके नरेश यादव फिफ्थ, बलराम दास जी टंडन सिक्स्थ, आनंदीबेन पटेल सेवंथ, अनुसुईया उइके एट्थ और श्री विश्वभूषण हरिचंदन नाइन्थ और श्री रमेन डेक्का ये टेंथ, दसवें राज्यपाल है क्रमानुसार। अब ये कार्यवाहक में ना पता नहीं ये श्री सुशील कुमार शिंदे जी को काउंट नहीं करते हैं। अगर आप जो सीजी विधानसभा का जो ऑफिशियल वेबसाइट भी खोलेंगे उसमें जो राज्यपाल करके एक ठोक बना हुआ है उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो इनको कंसीडर ही नहीं करता। क्रम देखेंगे तो क्रम के अनुसार दसवें नंबर के राज्यपाल है लेकिन कार्यकाल के आधार पर पूर्णकालिक राज्यपाल कार्यकाल के आधार पर आठवें क्रमांक के है, कौन? आपके रमेन डेक्का, ठीक है। तो ये जो देखिए रमेन डेक्का हाईलाइट में है तो इनका नाम तो याद रखना है, इसके साथ साथ आपको बाकी पिछले सभी राज्यपाल के नाम और उनके कार्यकाल याद रखने हैं। कोई भी एक आदि राज्यपाल का नाम दे देगा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त जी का कार्यकाल रहा और आपको चार ऑप्शन दे देगा वर्षों का, या क्या करेगा इधर से चार राज्यपाल का नाम दे देगा, इधर से चार ईयर दे देगा, सुमेलित कीजिए मैच द फॉलोइंग करके आएगा, राज्यपाल के नाम ईयर, राज्यपाल के नाम ईयर, राज्यपाल के नाम ईयर, राज्यपाल के नाम ईयर, चार ऑप्शन। एक आदि राज्यपाल का नाम और ईयर उसको गलत कर देगा और असत्य युग्म पहचानिए करके आएगा। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। श्री डेक्का 2021 अगस्त माह से असम राज्य के नवाचार एवं रूपांतरण आयोग के रूपांतरण आयोग जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था के उपाध्यक्ष पद पर 29 जुलाई 2024 तक रहे, यानी कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनने से पहले यह असम राज्य के नवाचार एवं रूपांतरण आयोग के उपाध्यक्ष थे, ठीक, इंपॉर्टेंट है इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ के दो कोल खदान शामिल हुए हैं। विश्व के सबसे बड़े कोयला खदानों में हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित गेवरा और कुसमुंडा कोल माइंस को शामिल किया गया है। कोयला खदान कोल इंडिया लिमिटेड CIL की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की ये दो खदानें हैं। ये जो आपकी गेवरा और कुसमुंडा है, गेवरा और कुसमुंडा में कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा कोयले का उत्खनन किया जाता है। कोल इंडिया की ना बहुत सारी सहायक कंपनी है जो कि पूरे भारत भर में कोयला भंडारित राज्यों में कोयले का उत्खनन करती है, जैसे कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ऐसे अलग अलग ना सात सहायक कंपनियां हैं। उसमें से एक है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कोयले का उत्खनन करती है और इसी के अंतर्गत एक गेवरा और कुसमुंडा कोल माइंस आते हैं जो कि कोरबा जिले में है। हाल ही में जो है विश्व के सबसे बड़े कोयले खदानों की रैंकिंग जारी की गई और यह रैंकिंग जारी किया गया है worldatlas.com के द्वारा, ठीक है। इस सूची में गेवरा माइंस सेकंड पोजीशन पर और कुसमुंडा माइंस फोर्थ पोजीशन पर है, द्वितीय और चतुर्थ स्थान इन्हें हासिल हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित दो खदान यानी कि गेवरा और कुसमुंडा सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करते हैं जो कि भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। ओवरऑल भारत के अलग अलग राज्यों से जो कोयले का उत्पादन होता है उसका अकेला 10% उत्पादन केवल ये दो कोयले के खदान करते हैं।
ठीक है, भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है इनके द्वारा उत्पादित कोयला, इन खान से उत्पादित होने वाला कोयला। गेवरा SECL का मेगा प्रोजेक्ट है, जो गेवरा माइंस है वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 59 मिलियन टन तक पहुंचने के साथ 2023 में देश की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है। देश की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? गेवरा कोल माइंस। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुसमुंडा खदान से 50 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन हुआ। यह खदान बिना विस्फोट पर्यावरण अनुकूल कोयला निष्कर्षण के लिए सरफेस माइनर जैसी उन्नत खनन मशीनों का उपयोग करती है, ठीक है, और साथ ही साथ विश्व की कुछ सबसे बड़ी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का भी उपयोग इस गेवरा माइंस में होता है। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। अगर हम देखें रैंकिंग, विश्व के शीर्ष 10 कोयले खदानों की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो worldatlas.com के अनुसार दुनिया के शीर्ष कोयला उत्पादक कोयला खदानों की सूची, फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका का ब्लैक थंडर खदान, सेकेंड नंबर पर है विश्व के 10 सबसे बड़े कोयले खदानों की सूची में, सेकेंड नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा का गेवरा माइंस, थर्ड नंबर पर है अमेरिका का नॉर्थ एंटोलोप रोशेल खदान, और फोर्थ नंबर पर है हमारे छत्तीसगढ़ का कुसमुंडा माइंस। इस आपके टॉप 10 की रैंकिंग में 4 खदान तो इंडोनेशिया के शामिल है। देखिए इंडोनेशिया के 4 खदान शामिल है, अमेरिका के 2 खदान शामिल है, और पोलैंड का 1 और चाइना का 1 खदान शामिल है, छत्तीसगढ़ के 2 खदान शामिल है। हमारे भारत के भारत से छत्तीसगढ़, भारत के तो 2 खदान है लेकिन याद रखना हमारे छत्तीसगढ़, ये दोनों के दोनों खदान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में है, इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत सरकार के द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा, छत्तीसगढ़ के राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा और प्रदेश के 4 नगरीय निकाय बिलासपुर, रायगढ़, चांपा व भाटापारा को, भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित स्पार्क 2023-24 पुरस्कार के लिए किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ को। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के है श्री तोखन साहू ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस पुरस्कार का नाम क्या है? स्पार्क 2023-24, जिसमें छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण जिसे सूडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, SUDA सूडा के नाम से इसे जाना जाता है, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक, इसे मिला है, और 4 आपके नगरीय निकाय बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, भाटापारा का चयन इस स्पार्क 2023-24 पुरस्कार के लिए हुआ है। 10 लाख तक की जनसंख्या वाले श्रेणी में हमारा बिलासपुर नगरीय निकाय फर्स्ट पोजीशन पर रहा। 3 लाख तक की जनसंख्या वाले श्रेणी में रायगढ़ नगरीय निकाय फर्स्ट पोजीशन पर रहा। 1 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में भाटापारा फर्स्ट पोजीशन पर रहा। 50,000 जनसंख्या वाली श्रेणी में चांपा सेकंड पोजीशन पर रहा। और ओवरऑल राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर पूरे भारत के प्रमुख राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ 3रे स्थान पर रहा इस राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के राष्ट्रीय पुरस्कार में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। देखिए कुछ ना ऐसे पुरस्कारों से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 पुरस्कार मिला है जिसमें से 1 राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा को, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी को मिला है, और 4 नगरीय निकाय बिलासपुर, रायगढ़, भाटापारा और चांपा, जिसमें बिलासपुर, रायगढ़, भाटापारा को फर्स्ट और आपके चांपा को सेकंड पोजीशन मिला है अलग अलग श्रेणियों में जनसंख्या के आधार पर, ठीक। पुरस्कार क्यों मिला है? ये जो आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं इसके लिए यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, विश्व का पहला एडवांस्ड
ठीक है, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल AUSC थर्मल पावर प्लांट यह प्रस्तावित है बिलासपुर जिले के सीपत में, जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC बिलासपुर सीपत NTPC में यह प्रस्तावित है। चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024-25 अभी जो जुलाई में जो बजट पेश हुआ है, बजट 2024-25 पेश करते हुए यह जानकारी दी कि हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सीपत NTPC में विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यहां स्थापित किया जाएगा। यहां पर 800 मेगावाट क्षमता वाला AUSC यानी कि एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का प्रदर्शन प्लांट जो कि दूसरे चरण में स्थापित किया जाएगा। देखिए यहां पे जो तकनीक का जो उपयोग हो रहा है, तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल और NTPC के संयुक्त अनुसंधान और विकास से इसको जो है विकसित किया जा रहा है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को। ठीक है, भारत में थर्मल पावर प्लांट 32% तक की औसत दक्षता पर काम करते हैं। वर्तमान में भारत में जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोयले का दहन किया जाता है, कोयले को जला करके बॉयलर में मौजूद पानी को गर्म करके स्टीम में बदला जाता है, स्टीम यानी कि भाप, और उस स्टीम यानी भाप को हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ते हैं, टरबाइन का ब्लेड घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो भारत में अभी जितने भी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है वो 32% औसत दक्षता पर कार्य करते हैं, लेकिन एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग करके इस आंकड़े को यानी कि उनकी दक्षता को 32 से बढ़ा करके 40% तक इसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी उच्च दक्षता वर्तमान पावर प्लांट तकनीक में उपयोग किए जाने वाले 540 से 600 डिग्री सेल्सियस के बजाय 710 से 720 डिग्री सेल्सियस के उच्च भाप तापमान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अधिक दक्षता का मतलब पावर प्लांट को प्रति मेगावाट घंटे कम कोयले की आवश्यकता होगी, यानी कि कम कोयले से ज़्यादा भाप जनरेट होगा, जिससे उत्सर्जन कम होगा। और वर्तमान में भारत में 72 सुपर क्रिटिकल और 20 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मा पावर प्लांट है। हमारे भारत में वर्तमान स्थिति में 72 सुपर क्रिटिकल और 20 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल है। अब यहां पे क्या आ रहा है, एडवांस, उसका एडवांस वर्जन, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बिलासपुर के सीपत में स्थापित किया जाएगा। केवल हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं, देश का नहीं, पूरे विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना, ये कोई नई योजना नहीं है, ये योजना 2008 से हमारे प्रदेश में संचालित है, जिसे पिछली सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। और क्यों बंद किया गया था उसका कारण भी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। जो लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना है, इसके लाभार्थी है मीसाबंदी, जिन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाता है। लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र सेनानी। ठीक है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर की बात नहीं हो रही है, लोकतंत्र सेनानी की बात हो रही है। ठीक है, ये जो योजना है 2008 से जो है, जब हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा यह लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे मीसाबंदी पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आपके लोकतंत्र सेनानी है, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी नहीं, लोकतंत्र सेनानी क्यों लिखा हुआ है, ध्यान देना। आपातकाल, भारत में जब इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी जी पूर्व जो प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में जब आपातकाल लगा था, तो आपातकाल में जेल में गए मीसाबंदियों को, यहाँ पे मीसा जो है ना, मीसा एक कानून है। अब ये कानून क्या है वो बताऊंगा, एक एक्ट है, एक कानून है। मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी बताते हुए उन्हें सम्मान निधि देने के लिए शुरू की गई एक योजना थी, यह मीसा पेंशन योजना, जिसका नया नाम है लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना। जो आपातकाल के समय जो प्रमुख लोकतंत्र सेनानी थे, उनका नाम था लोकनायक जयप्रकाश, अखिल भारतीय स्तर पर काफी प्रसिद्ध है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है,
इस आपके इस पेंशन योजना के तहत इमरजेंसी के टाइम पीरियड में एक माह से कम अवधि के लिए निरुद्ध व्यक्ति, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड में बहुत से लोकतंत्र सेनानियों को जेल में बंद कर दिया गया था मीसा कानून के तहत। मीसा कानून क्या है आगे आपको बताऊंगा। तो ऐसे आपके लोकतंत्र सेनानी जिन्हें भारत में आपातकाल के दौरान एक माह से कम अवधि के लिए निरुद्ध रखा गया था, यानी कि जेल में बंद रखा गया था, उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह पेंशन। एक से पांच माह तक के लिए उन्हें निरुद्ध रखा गया था, यानी जेल में बंद रखा गया था, तो उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन। और पांच माह से अधिक के लिए जिन्हें निरुद्ध रखा गया था, यानी कि पांच महीने से ज्यादा समय के लिए वो आपातकाल के दौरान जेल में थे, तो उन्हें 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान किया जाएगा इस लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानी आश्रितों को प्रतिवर्ष 9 करोड़ रुपए की सम्मान निधि राशि प्रदान की जाती थी। ठीक, पिछली सरकार ने 2019 में इस योजना को बंद कर दिया था। क्यों? पिछली सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की ही पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिनके द्वारा इमरजेंसी लगाया गया। तो कोई भी राजनीतिक दल अपने पूर्व के जो प्रमुख है, जो आपके पूर्व के प्रधानमंत्री है, उनकी कार्यों से संबंधित उनके द्वारा लगाए गए जो आपातकाल है उसको कभी गलत नहीं ठहराएंगे। देखिए, जो मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन या उसका विरोध नहीं करता, लेकिन भारत में जब आपका आपातकाल लगाया गया था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में, वो गलत था। ठीक है, और अभी की जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उनके द्वारा 25 जून 1975 को जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस 25 जून की तारीख को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। एक प्रकार से यह भी गलत है, जो पूर्व की घटनाएं बीत चुकी है उसे लेकर के वर्तमान में कोई दिवस की घोषणा करना, यह भी गलत है। और कांग्रेस सरकार की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था वह भी गलत है। तो पिछली सरकार ने जो आपके आपातकाल के दौरान जो लोकतंत्र सेनानी जो उससे प्रभावित हुए थे, जिन्हें जेल में बंद रखा गया था, उनके लिए पेंशन योजना लाया गया था डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 2008 में। ठीक है, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 के नाम से भी इसे जाना जाता है। लोकनायक जो आपके जयप्रकाश नारायण जी है उनका टाइटल था लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 के तहत यह योजना लागू किया गया था, लेकिन पिछली सरकार ने 2019 में इस पेंशन को बंद कर दिया। अब फिर से बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने फिर से इस योजना को शुरू कर दिया। 2018 तक की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में 430 लोकतंत्र सेनानी या आश्रितों को प्रतिवर्ष 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। सम्मान राशि बंद होने से लेकर पुनः प्रारंभ होने तक की अवधि की एरियर्स के साथ 1 नवंबर 2024 जब छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है को प्रदान किया जाएगा। यानी कि जिस डेट में यह योजना बंद हुई थी और जिस डेट में यह योजना अभी राजपत्र प्रकाशित करके जुलाई महीने में फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है, तो इस बीच की अवधि की जो पेंशन राशि बंद थी उसे एरियर्स के साथ आपके राज्य स्थापना दिवस, हमारे छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव मनाया जाता है, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उनकी पेंशन राशि उसे प्रदान की जाएगी। अब ये मीसा कानून है क्या, इसे समझना। देखिए, ये मीसाबंदी का जो जिक्र हो रहा है, मीसाबंदी पेंशन योजना, ये मीसाबंदी थे कौन? 25 जून 1975 की आधी रात को एक अध्यादेश के जरिए देश भर में आपातकाल लागू कर दिया गया था। इस दौरान संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया। भारत के संविधान द्वारा जो भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए गए थे आपातकाल में, उसे भी निलंबित कर दिया गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण का कानून को समाप्त कर दिया गया, जो आपके कोर्ट है, कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोर्ट के द्वारा जो है कुछ उनको रीट के अधिकार है, उन्हें अध्यादेश जारी करने के अधिकार, यानी कि रीट के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आपके कोर्ट जो आदेश जारी करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये कानून आप संविधान में पढ़े होंगे, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसे भी समाप्त कर दिया गया। जिसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने का नियम भी शिथिल कर दिया गया। क्या होता है, जनरली किसी भी व्यक्ति को अगर किसी एक दोष में गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर जेल में प्रस्तुत करना, उसे 24 घंटे के अंदर अदालत में प्रस्तुत करना जरूरी है, लेकिन इस आपातकाल के दौरान ये 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने के नियम को भी शांत यानी शिथिल कर दिया गया, यानी कि इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मीसा कानून के तहत कांग्रेस शासित राज्यों के 1,00,000 सत्ता विरोधियों को जेल में डाला गया। ठीक है,
मीसा, मीसा का पूरा नाम बताया गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है मीसा। इस गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था। इस दौरान मीसा कानून के तहत बंदी बनाए गए लोगों को मीसा बंदी कहा जाता है, और इसी मीसा बंदी से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए लाया गया मीसा बंदी पेंशन योजना, आपके लोकनायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना 2008, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया, वर्तमान सरकार ने पुनः शुरू किया, जिसमें एक माह से कम अवधि के लिए निरुद्ध व्यक्ति यानी कि जेल में बंद व्यक्ति जो प्रभावित थे ₹8,000 प्रति माह, एक से पाँच माह के निरुद्ध व्यक्तियों को ₹15,000 प्रति माह, पाँच माह से अधिक निरुद्ध व्यक्तियों को ₹25,000 प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी इस पेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अभी का जो आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अनुपूरक, प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया, ठीक, जुलाई में, उसमें इस सम्मान निधि के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पेंशन दिए जाने के लिए अभी पहले अनुपूरक बजट में 42 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है मीसा बंदियों के लिए। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना। घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना, इसकी शुरुआत 16 जुलाई 2024 को श्री केदार कश्यप जी के द्वारा किया गया। हमारे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री है श्री केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ के वन जलवायु परिवर्तन जल संसाधन मंत्री है केदार कश्यप, जिनके द्वारा 16 जुलाई 2024 को बीजापुर जिला प्रशासन के लिए जो है इस घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की गई। अभी यह केवल बीजापुर जिले में यह योजना संचालित है। अभी योजना है क्या, बीजापुर जिले के सभी घरों में कम से कम 10 पुस्तकें जिला प्रशासन द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। नीति आयोग से प्राप्त राशि से यह पुस्तकें प्रदान की जाएगी। केवल अभी बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी घर, हर एक घर में कम से कम 10 पुस्तकें जिला प्रशासन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुस्तकें लोगों की मांग पर उनके मन पसंद साहित्यकारों की पुस्तकें दी जाएगी। लोगों के मांग के अनुरूप पुस्तक की भाषा, विषय, साहित्यिक, दर्शन, सामान्य ज्ञान सहित सभी प्रकार की प्रत्येक इच्छानुसार पुस्तकें प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना का संचालन कहां पर हो रहा है, बीजापुर जिले में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 छत्तीसगढ़ के स्थान शामिल। स्वदेश दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक खूबसूरती और गौरवशाली आदिम संस्कृति को देखते हुए भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय ने अहम फैसला लिया, जिसमें इस स्वदेश दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जगदलपुर को स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत शामिल किया गया है। जशपुर के अप्रतिम प्राकृतिक स्थल माइली बगीचा, ठीक है, माइली बगीचा के विकास के लिए इसे अप योजना चुनौती आधारित गंतव्य विकास में शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें शामिल किया गया है, चुनौती आधारित गंतव्य विकास में इसे शामिल किया गया है। इसके अलावा सूरजपुर जिले का धार्मिक स्थल कुदुरगढ़ मंदिर, ठीक है, कुदुरगढ़ माता का मंदिर का कायाकल्प के लिए प्रसाद योजना में इसे शामिल किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसाद योजना के तहत श्री यंत्र पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर ये बनाया जा रहा है आपके डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर के समीप, जो आपका डोंगरगढ़ की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी और एक है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, इन तीन पहाड़ियों के बीचों बीच प्रसाद योजना के तहत एक श्री यंत्र पिलग्रिम एक्टिविटी सेंटर बनाया जा रहा है। अब प्रसाद योजना के तहत और शामिल किया गया है कुदुरगढ़, सूरजपुर जिले के कुदुरगढ़ में स्थित जो बागेश्वरी माता का मंदिर है, जिसे कुदुरगढ़ माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी शामिल कर लिया गया है। तो सारे फैक्ट याद रखना। स्वदेश दर्शन योजना क्या है, इसे जाकर के आप थोड़ा सा नेट में सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके इंडियन करंट अफेयर का टॉपिक है। इसे जो हमारा नेशनल करंट अफेयर चल रहा है अलग से वीडियो सीरीज, उसमें और आपको डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करता। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है, जबकि जो प्राकृतिक स्थल है माइली बगीचा के विकास के लिए इसे उप योजना चुनौती आधारित गंतव्य विकास के तहत इसे शामिल किया गया है, और प्रसाद योजना में कुदुरगढ़ मंदिर सूरजपुर को शामिल किया गया है। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निशा यादव। निशा यादव कौन है? निशा यादव हमारे प्रदेश की महिला पर्वतारोही है, जिन्होंने हाल ही में माउंट एल्ब्रूस, यूरोप में मौजूद है माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 18510 फीट इस माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई है, जिस पर इन्होंने पर्वतारोहण करके तिरंगा लहराया। अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इससे पहले इन्होंने उत्तराखंड के नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक, जिसकी ऊंचाई है 8522 फीट, उत्तराखंड के केदारकंठ, जिसकी ऊंचाई है 12500 फीट, और अरुणाचल प्रदेश के गोरीचेन ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई है 22500 फीट, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी गौरा लाटा पर भी इन्होंने फतह हासिल की है। अभी अगर लेटेस्ट की बात करें तो यूरोप का जो माउंट एल्ब्रूस है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर या 18510 फीट इसकी ऊंचाई है, इस पर इन्होंने पर्वतारोहण करके तिरंगा लहराया। तो इनका नाम याद रखिएगा, निशा यादव का संबंध किससे है? पर्वतारोही है हमारे प्रदेश की एक। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम, अब ये है क्या, इसको समझना। यह प्रस्तावित है दंतेवाड़ा जिला के कारली में, दंतेवाड़ा जिले का कारली में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम प्रस्तावित है। इसका निर्माण सांस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सांस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय संग्रहालय परिषद NCSM की सहायता से छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम स्थापित किया जाएगा दंतेवाड़ा जिले के कारली में। इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं में रुचि और जागरूकता पैदा करना, या जागरूकता को बढ़ाना, इस डिजिटल प्लेनेटोरियम का मुख्य उद्देश्य है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने सांस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना के तहत तारामंडल निर्माण के लिए अनुरोध किया था, जिसके तहत यह डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जा रही है। इसमें शैक्षिक विकास, वैज्ञानिक जागरूकता, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास, ऑडियो विजुअल और दिलचस्प प्रयोगों जैसे महत्वपूर्ण विषय भी रखे गए हैं। स्वीकृति, इसके निर्माण के लिए 7.95 करोड़, यानी कि 7.95 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। डिजिटल प्लेनेटोरियम होता क्या है? यह प्लेनेटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहां पर खगोलीय घटनाओं को देख सकते हैं। इसमें दर्शकों को नीचे बैठा दिया जाता है, बैठे हुए दर्शकों के सीलिंग यानी कि छत पर, दर्शक नीचे बैठेंगे और छत पर देखेंगे। जैसे आपका प्लेनेटोरियम क्या है, आप जमीन पर बैठ करके खुले आसमान को देख रहे हैं, तो वैसे ही दर्शकों को नीचे बैठा करके सीलिंग यानी कि छत के ऊपर स्क्रीन लगी होगी, जिस पर देखिए दर्शक सीलिंग पर स्टार्स और ग्रहों के मूवमेंट को आसानी से देख सकते हैं, यानी कि तारे और ग्रह के मूवमेंट को आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से अंतरिक्ष के बारे में कुछ फिल्में भी दिखाई जाती है, जिससे उन्हें पूरे तारामंडल का ज्ञान मिलता है। कुछ इस प्रकार से रहेगा, नीचे तरफ ऐसे सीटें लगी होगी, ठीक है, सामने जहां पर बैठे हुए, जैसे आप पिक्चर में थिएटर में बैठ के मूवी देखते हैं, आप बैठे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर पिक्चर चल रहा है, लेकिन सामने के साथ साथ ऊपर छत में भी, ठीक है, ऊपर आपके छत में भी, सीलिंग में भी स्क्रीन लगे होंगे जिसमें स्टार्स और ग्रहों के मूवमेंट को देखा जा सकता है। तो यह है डिजिटल प्लेनेटोरियम जो कि स्थापित किया जाएगा दंतेवाड़ा जिले के कारली में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रदेश पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP की सूची। अभी बीच में न्यूज आया था, जुलाई मंथ में ही दो न्यूज आया कि छत्तीसगढ़ के अगले DGP होंगे श्री अरुण देव गौतम, संभवतः, यहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। और फिर जुलाई मंथ के ही एंड में नया न्यूज आया कि जो आपके वर्तमान में जो DGP है श्री अशोक जुनेजा, उनके कार्यकाल को अगले 6 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 4 अगस्त को ये शायद रिटायर होने वाले थे, अब इनका जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, अगले साल 2025 के फरवरी तक ये छत्तीसगढ़ के DGP रहेंगे। तो अभी फिलहाल देखिए, जो टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं उनको पता है, तो श्री अरुण देव गौतम के नाम को अभी याद मत रखिएगा। इनका नाम चर्चा में आया था, अरुण देव गौतम का, कि ये छत्तीसगढ़ के अगले DGP बनेंगे, लेकिन जो वर्तमान DGP है उनका कार्यकाल अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ में जो अब तक DGP है उनका नाम याद होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे, या छत्तीसगढ़ के पहले DGP कौन थे, तो श्री मोहन शुक्ल दूसरे नंबर पे थे, RLS यादव, तीसरे थे के वी के दास, चौथे थे श्री अशोक,
दरबारी, पांचवे ओपी राठौर, छठवे थे श्री विश्व रंजन, सातवें थे अनिल एम नवानी, आठवें श्री रामनिवास, नौवे नंबर के डीजीपी थे आपके अमरनाथ उपाध्याय, दसवें नंबर के थे डी एम अवस्थी, ग्यारहवें नंबर के हैं आपके अशोक जुनेजा जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के डीजीपी है। अब अगला जो बनेगा वो फरवरी 2025 में जो है रिटायरमेंट के बाद छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी नियुक्त होंगे, ठीक है। नेक्स्ट शिव कुमार दीपक, एक्चुअली में इनका नाम है शिव कुमार साहू, दीपक इनको उपाधि प्रदान की गई थी, ध्यान देना। छत्तीसगढ़ के मशहूर अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका जन्म वर्ष 1933 को दुर्ग जिले के पोटिया में इनका जन्म हुआ था और अभी जुलाई 2024 में इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनकी उपाधि थी दीपक, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन्हें इनकी अभिनय को देखते हुए इन्हें दीपक की उपाधि प्रदान की गई थी। अगर इनके अभिनय की अगर हम बात करें तो इनकी पहली फिल्म थी कही देवे संदेश, छत्तीसगढ़ की फिल्म, वर्ष 1965 में छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश में इन्होंने कार्य किया था। वर्ष 1971 के घर द्वार फिल्म में भी इन्होंने कार्य किया। कला मंच, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी की कला मंच चंदनी गोंदा और महासिंह चंद्राकर की लोक कला मंच सोनहा बिहान के भी यह कलाकार थे। छत्तीसगढ़ में अगर आप छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पढ़े होंगे तो चंदनी गोंदा और सोनहा बिहान इन इस लोक कला मंच से आप परिचित है। तो दाऊ रामचंद्र देशमुख की लोक कला मंच चंदनी गोंदा और महासिंह चंद्राकर की लोक कला मंच सोनहा बिहान के ये प्रसिद्ध कलाकार थे। अगर इनकी उपलब्धियों की हम बात करें तो 50 छत्तीसगढ़ी फिल्म, 2 हिंदी फिल्म, 2 भोजपुरी फिल्म, 1 मावली फिल्म में इन्होंने काम किया और साथ ही साथ चंदनी गोंदा लोक कला मंच में भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो ये शिव कुमार दीपक कौन थे? शिव कुमार दीपक छत्तीसगढ़ के एक कलाकार, ठीक है, मशहूर अभिनेता थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संसदीय कार्य मंत्रियों की सूची। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए संसदीय कार्य मंत्री बने हैं श्री केदार कश्यप। श्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ के वर्तमान में आपके वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जल संसाधन मंत्री है, ये विभाग उनके पास है, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री भी इन्हें बनाया गया है। अगर हम संसदीय कार्य मंत्रियों की सूची को देखें तो पहली विधानसभा में थे श्री रविंद्र चौबे, दूसरी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान थे श्री अजय चंद्राकर, तीसरी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान थे श्री बृजमोहन अग्रवाल, चौथे विधानसभा के कार्यकाल के दौरान थे श्री अजय चंद्राकर, पांचवें विधानसभा के कार्यकाल के दौरान थे श्री रविंद्र चौबे, अभी चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ का छठवां विधानसभा, छठवें विधानसभा में थे बृजमोहन अग्रवाल, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल अब बन चुके लोकसभा सांसद, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में विधायक के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ के इस छठवीं विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं श्री केदार कश्यप। अगर संसदीय कार्य मंत्रियों के व्यवहित होने के विषय की बात करें, अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो विधानमंडल की कार्यवाही से संबंधित कार्य करना, लोकसभा राज्यसभा प्रश्नों की समस्त कार्य करना, विभिन्न अवसरों पर मुख्यमंत्री की ओर से भेजे जाने वाले बधाई संवेदना संदेश तैयार करना तथा उनको प्रेषण सुनिश्चित करना, बजट राज्यपाल महोदय के अधिभाषण जैसे विशिष्ट अवसरों पर विभिन्न विभागों को सूचनाओं का संकलन करना, ये संसदीय कार्य मंत्रियों का मुख्य कार्य होता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के छठवीं विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री कौन है, तो श्री केदार कश्यप, जो कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री भी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित वर्तमान में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है 11। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 13, इससे पहले 12 था, लेकिन श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, जिसके बाद अभी भी 2 कैबिनेट मंत्रियों का पद खाली है। वर्तमान में श्री केदार कश्यप छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जल संसाधन मंत्री है, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये कार्यकाल दिया हुआ है, कार्यकाल को भी थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ की चौथी विधानसभा के संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? अजय चंद्राकर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनेगा लोरमी ब्लॉक का खुड़िया, ठीक है, मुंगेली जिले में आता है लोरमी। लोरमी ब्लॉक के खुड़िया जो है ये छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट 5G इंटेलिजेंट आपका विलेज गांव बनेगा। 5G इंटेलिजेंट गांव को अगले चरण में शामिल 5G इंटेलिजेंट गांवों के अगले चरण में शामिल होगा खुड़िया। अभी पहले चरण में पूरे भारत भर के 10 गांव का चयन किया गया है, अगले चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के खुड़िया को भी शामिल किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का 5G पहला 5G इंटेलिजेंट विलेज बनेगा, जिसमें ग्रामीणों को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा, ठीक है।
है। तो छत्तीसगढ़ का पहला 5G इंटेलिजेंट विलेज किसे बनाया जाएगा, तो लोरमी ब्लॉक के खुड़िया को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में दिखा है आपका बघीरा। बघीरा क्या है? बघीरा काले रंग का तेंदुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में मोलनिस्टिक लेपर्ड एक प्रकार का ना, देखिए जो मोलनिस्टिक की जो मात्रा है ये शरीर में रंगों का निर्धारण करती है। इस मोलनिस्टिक के कारण ही आपका ये जो तेंदुआ है, तेंदुए के जो शरीर के जो बालों का रंग है वो काला हो जाता है ज़्यादा मात्रा होने के कारण। तो वही बोला जा रहा है कि अचानक मार टाइगर रिजर्व में मेलनिस्टिक लेपर्ड की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। अचानक मार टाइगर रिजर्व प्रबंधन के संरक्षित प्रयासों व उपयुक्त पुनर्वास से इस लेपर्ड की प्रजाति के संरक्षण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। इससे पहले भी आई थिंक 2022 में ये काला तेंदुआ एक बार और देखा गया था इसी अचानक मार टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में काला तेंदुआ देखा गया है, तो वो है आपका अचानक मार टाइगर रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लिंगेश्वरी माता मंदिर या जिसे लिंगई माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये मौजूद है कोंडागांव जिले के फरस गांव में स्थित आलोर पहाड़ी में। आलोर पहाड़ी या आलोर गुफा, आलोर की पहाड़ी में एक गुफा है जिसे आलोर गुफा कहा जाता है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये जो आपके आलोर पहाड़ी या आलोर गुफा में जो लिंगेश्वरी माता का मंदिर स्थित है, यहाँ पर शिवलिंग, भगवान शिव, शिवलिंग की स्त्री स्वरूप में पूजा होती है। भगवान शिव का जो प्रतिरूप है शिवलिंग, उस शिवलिंग की पूजा स्त्री रूप में, महिला के रूप में उसकी पूजा होती है। साल में एक बार सिर्फ 12 घंटे के लिए इस गुफा का द्वार खोला जाता है, वो भी भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी को। इस दिन खीरे का प्रसाद मुख्यतः इसमें चढ़ाया जाता है। निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना के लिए आकर के विशेष पूजा अर्चना करते हैं तथा खीरे का प्रसाद बांटते हैं। तो लिंगेश्वरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? कोंडागांव जिले के फरस गांव के आलोर गुफा या आलोर की पहाड़ी में स्थित है, जहां पर भगवान शिव की पूजा स्त्री स्वरूप में की जाती है। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग का SDG सूचकांक जारी किया गया। अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य का एक नया रिपोर्ट जारी किया गया है आपके वर्ष 2023-24 का। ठीक, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत टोटल आपके 16 लक्ष्य शामिल है, जिसको 2030 तक वो सारे लक्ष्यों को प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। सतत विकास लक्ष्य के सभी मानकों में उत्तराखंड और केरल संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है। नीति आयोग ने शुक्रवार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सूचकांक 2023-24 जारी किया। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, गोवा तीसरे नंबर पर रहे, बिहार तमाम मानकों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा, बाकी आपके केंद्र शासित प्रदेशों का। अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारा छत्तीसगढ़ इस सूचकांक में 16वें नंबर पर रहा, 16th पोजीशन पर। फर्स्ट कौन सा रहा वो याद रख लेना, उत्तराखंड और केरल। सेकंड रहा आपका तमिलनाडु और थर्ड रहा गोवा। छत्तीसगढ़ की स्थिति 16वें नंबर पर है, सबसे खराब प्रदर्शन रहा आपका बिहार का। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 लागू। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 5वीं तक के बच्चों को मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। अभी नई शिक्षा नीति लागू करने का प्लानिंग किया जा रहा है इसी शैक्षणिक सत्र में, जिसमें 5th क्लास तक के बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ी सहित गोड़ी, भत्री, हल्बी, सरगुजिया जैसे भाषा शामिल किए गए हैं। हमारा छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से आपका जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहाँ उस क्षेत्र में 5वीं क्लास तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में, ठीक है, उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में, जैसे छत्तीसगढ़ी सहित गोड़ी, भत्री, हल्बी, सरगुजिया भाषा में जो है उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी से 12वीं तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति में प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान में 5+3+3+4 लागू किया जाएगा। अब ये 5+3+3+4 क्या है आगे आपको बताऊंगा। अब सरकारी स्कूलों में 6 की जगह 3 साल की उम्र में प्रवेश दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जब तक बच्चे का 6 साल पूरा नहीं होगा तब तक जो है उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में उनकी भर्ती नहीं ली जाती थी। अब 6 की जगह ये उम्र कर दिया गया है 3 साल। नर्सरी से पहली और दूसरी कक्षा 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई जादुई पिटारा के माध्यम से की जाएगी। जादुई पिटारा कुछ नहीं, खेल खेल में बच्चों को सिखाना।
कुछ टॉय निकाल करके बच्चों को बताना, जैसे कि आज के डेट में प्ले ग्रुप किंडर गार्डन होते हैं, वहां पे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, उसी को नाम दिया गया है जादुई पिटारा। ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में 2 बार होगा। अब जो है, पहले क्या होता था, साल में 1 बार बोर्ड परीक्षा होता था, अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ 2 में से किसी एक का, जिसमें ज्यादा बच्चों का परसेंटेज आएगा, उसको जो है लास्ट उनका फाइनल मार्कशीट बनेगा। ठीक, इस नई शिक्षा नीति में जो 5+3+3+4 फॉर्मूला जो बताया गया है, देखिए इसमें जो पहला 5 है ये 5 वर्ष आधारभूत चरण, इसे देखिए जो पहला 5 है इसे आधारभूत चरण कहा जा रहा है, 5 वर्ष तक के बच्चों को। इसमें आयु 3 से 6 वर्ष, यानी कि अगर बात करेंगे 3 से 6 कितना वर्ष हो रहा है, 3 वर्ष आंगनबाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका में इनकी पढ़ाई होगी, यानी कि वही प्ले स्कूल की बात हो रही है, आंगनबाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका में। 6 से 8 वर्ष यानी कि जो 2 वर्ष का समय है, 3+2 कितना हो गया 5, यही 5 हो रहा है, 6 से 8 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का जो समय है इसमें पहली और दूसरी कक्षाओं की पढ़ाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है +3 प्रारंभिक चरण, जिसमें 3 वर्ष 8 से लेकर के 11। ठीक है, 8 साल 9 साल 8 के बाद 9 साल 10 साल 11 साल, 3 साल की बात हो रही है, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का जो है इसमें पढ़ाई होगी। उसके बाद मध्यम चरण 3 वर्ष +3, जिसमें 11 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का कक्षा 6वीं से 8वीं तक इनका पढ़ाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट चरण है +4, ये है आपका माध्यमिक चरण, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक जो है कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। ये है आपका 5+3+3+4। तो ये चरण क्या है, आधारभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण, ये 4 चरण के नाम भी याद रखिएगा। 5 वाला क्या है, आधारभूत चरण, उसके बाद 3 क्या है, प्रारंभिक चरण, फिर 3 क्या है, मध्य चरण, और 4 क्या है आपका माध्यमिक चरण। ये चरणों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स, छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी, ये बस्तर के मेंद्री घूमर में बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ बनाया जा रहा है, ये बस्तर के मेदनी घूमर में बनाया जा रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी यानी कि बहुत बड़ा जो है जाल नीचे से ऊपर बांधा जाएगा, जिसमें ट्रैकिंग चढ़ाई करने का काम होता है, आपके जिप लाइन बिछाया जाता है 2 पहाड़ियों के बीच, ऐसे 2 पहाड़ी है, 2 पहाड़ियों के बीच ऐसे केबल लगा देंगे, उस केबल में स्लाइड करना होता है। ठीक है, वैसे ही 2 पहाड़ियों के बीच आपके केबल है, उसके ऊपर साइकिल चला रहे हैं, तो ये क्या है, ये एडवेंचर है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है ये बस्तर के मेंद्री घूमर में प्रस्तावित है, यह बनाया जाएगा। हॉकी इंडिया में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मनीष श्रीवास्तव को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष वर्ग हॉकी टीम का जो है ऑब्जर्वर इन्हें बनाया गया है। रूपाली साहू और रीबा बेन्नी जिन्होंने 12 से 19 जुलाई 2024 तक काइस्टर्च न्यूजीलैंड में संपन्न हुए जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को सिल्वर मेडल दिलाया है। इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा कि रूबी बेन्नी और रूपाली साहू, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है तलवारबाजी से, जिन्होंने सिल्वर मेडल जिताया भारतीय टीम को तलवारबाजी में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, जिसे एम्स के नाम से जाना जाता है, रायपुर के कार्यपालक निर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल, जो कि रिटायर हो चुके हैं, को उनकी असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट, ग्रीन स्टील समिट, जिसका आयोजन हुआ नवा रायपुर, रायपुर जिले के नवा रायपुर में ग्रीन स्टील समिट का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने बताया कि देश के स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का 20% योगदान है, उड़ीसा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक हमारा छत्तीसगढ़ है, राज्य में बनने वाले स्टील का 15% राज्य में खपत होता है, और बाकी का बचा हुआ 85% राज्य के बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सारे डाटा को याद रखिएगा, देश के स्टील उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान 20% है। ठीक है, और उड़ीसा के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। देश दुनिया में रहने वाले जैन समाज के लिए चंद्रगिरी की पहाड़ी सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र होगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी की पहाड़ी हाल ही में ये चर्चा में भी रहा, जब आपके एक जैन आचार्य विद्यासागर जी ने यहाँ पर संलेखना विधि से अपने देह का त्याग किया था, तब काफ़ी हाईलाइट में आया था ये चंद्रगिरी की पहाड़ी, नेशनल लेवल का न्यूज़ बना था। ठीक है, 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के प्रतिनिधि मंडल का छत्तीसगढ़ राज्य में 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में दिनांक 11 से 13 जुलाई 2024 को हुआ। आयोग के सदस्यों ने जगदलपुर का भ्रमण किया।
ऐसा क्वेश्चन पिछले साल पीएससी में आया था कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व चेयरमैन थे आपके जो रघुराम जी, उन्होंने किस क्षेत्र में भ्रमण किया करके, तो ऐसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखना 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया, जिन्होंने जुलाई माह में छत्तीसगढ़ ये प्रवास में आए थे। इन्होंने जगदलपुर, बस्तर के जगदलपुर का भी इन्होंने भ्रमण किया, ठीक है। जीएसटी सुधार के लिए जीएसटी काउंसिल पुनर्गठन, जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। जो केंद्र सरकार की जीएसटी सुधार के लिए जीएसटी काउंसिल को जो पुनर्गठन किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी, उनके जो उनके सदस्य के रूप में उनको नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जुलाई 2024 होता है समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, बहुत ही जल्द जो आपके जनवरी से लेकर के अभी जुलाई मंथ तक के करंट अफेयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रैक्टिस सेट हमारे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में अपलोड होगा। इसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।